हेलो दोस्तों, वेलकम टू शारदास कुजीन। रोज़ की दाल सब्ज़ी खा खा के बहुत बोर हो गई थी, तो सोचा कि क्यों ना आज दाल और सब्ज़ी एक साथ ही मिलकर बना लिया जाए। तो चलिए, मैं लाई हूँ आज दाल और पालक की रेसिपी। दाल और पालक को एक साथ कैसे बनाया जाए, तो मैंने यहाँ पे चना का दाल लिया है एक कटोरी। अच्छी तरह से धोकर नमक और हल्दी रखकर इसे तीन विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर पका लें। तो जब तक हमारे प्रेशर कुकर में चने की दाल रेडी होती है, हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने लिया है प्याज। इस रेसिपी में जितना ज़्यादा प्याज रखेंगे और उसको अच्छी तरह से भूनेंगे, यह रेसिपी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। जब कभी भी दाल और सब्ज़ी खा के बच्चे बोर हो जाते हैं, उनको कुछ अलग खाने का मन करता है, तो उसी दाल और सब्ज़ी से आप इस तरह से स्वादिष्ट रेसिपी बना सकते हो। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है अदरक और लहसुन को इस तरह से मैंने बारीक सा कूट के रखा है। आप चाहे तो इसमें मिक्सर में भी कर सकते हो या फिर बारीक कट करके भी रख सकते हो। यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने रखा है। तो ये रही मेरी आखिरी प्रेशर कुकर की सीटी, रेडी हो गई है। तो चलिए इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए 1 बड़े चम्मच तेल को अच्छी तरह से गर्म करके उसमें रखेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग और ये सूखी हुई लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, आप चाहे तो तीखी वाली भी ले सकते हो। और इसमें रखेंगे पूरा प्याज जिसे हमने बारीक कट किया था। अब प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर हिलाते हुए इसे हम इसी तरह से पकाएंगे। तो प्याज को मैंने रख दिया है साइड में, क्योंकि वो गोल्डन ब्राउन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसी टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है टमाटर। टमाटर की चॉपिंग अच्छी तरह से कर ले। इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज के लिए 2 टमाटर यूज़ किया है। देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें रखा मैंने अदरक और लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट। उसको हल्का सा 1 मिनट तक इसी तरह से भून ले ताकि उसका कच्चा स्मेल निकल जाए। और फिर इसके बाद हम रखेंगे हमारे बारीक कटे हुए टमाटर। किसी भी रेसिपी को अगर आपको स्वादिष्ट बनाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका मसाला। मसाला में ही उसकी जान होती है। अगर मसाला अच्छी तरह से आपने धीमी आंच पर भून लिया तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर कुकर भी ठंडा हो गया और आप देख सकते हो कि मैंने जो चने की दाल है इसे ज़्यादा मैश नहीं किया है, यानी ज़्यादा गलाया नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह से बहुत अच्छी लगती है। टमाटर रख दिया है। अब टमाटर को भी लो फ्लेम पर मैश होने तक 2 से 3 मिनट तक इसे ढककर पकाएं, जिससे टमाटर पूरी तरह से गल जाएगा और उसका पानी सूख जाएगा। मुझे रेसिपी एकदम झटपट से बनानी थी क्योंकि बच्चे के स्कूल की तैयारी करनी थी, स्कूल का समय हो गया था और मेरा खाना आज सच में बहुत लेट बना था। तो लेट हो रहा था, झटपट से कुछ अच्छा स्वादिष्ट भी खाना था, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अब इस मसाले में मैंने रखा है धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसके बाद यहाँ पे बारीक कटा हुआ मैंने पालक रखा। इस पालक के जगह पे आप कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी रख सकते हो, मेथी रख सकते हो, जो चवली मिलती है चवली रख सकते हो, कांदा के जो पत्ते होते हैं प्याज के पत्ते वो रख सकते हो, लहसुन के पत्ते आप रख सकते हो, मूली के पत्ते का भी बहुत अच्छा स्वाद बनता है। यानी यह रेसिपी जो है वो मल्टी रेसिपी है। इसमें आप किसी के साथ भी चने को दाल को मिक्स करके आप एक बढ़िया सा टेस्टी खाना झटपट से 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आप इस तरह से बनाओगे तो। पालक का भी अच्छी तरह से पानी सूख गया है। अब हम इसमें रखेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया का स्वाद इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है, तो जब आप मसाला भूनते हो पालक रखने के बाद धनिया को भी रखें। और जो भी आप हरी पत्ती वाली सब्ज़ी रखते हो उसका पानी अच्छी तरह से 3 से 5 मिनट तक उसे इसी तरह से पका ले। सबसे लास्ट में मैंने रखा है गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका टेस्ट ज़्यादा ना भून के वैसे ही बहुत अच्छा आता है।
अब फाइनली हम रखेंगे हमारा पका हुआ दाल। आपको मैं दिखाती हूँ कि दाल को देखिए, ये इस तरह से ज़्यादा एकदम नहीं गलाना है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बिना गले ही बहुत अच्छे आता है। अब इसे ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लें। वाव, अब इसकी बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है और आप देख सकते हो कि ये दिखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ या किसी भी तरह के पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। यानी इसके लिए स्पेशली चावल चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे जानकर बड़ी खुशी होगी, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। गर्मा गर्म मुँह से तो पानी आ गया। तो चलिए मैं बैठ जाती हूँ खाना खाने के लिए। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।